सैमसंग फ़ोन में ये डाउनलोड एरर क्यों आता है? ये हमारा फ्लैश होना स्टार्ट हो गया है फ़ोन। तो दोस्तों, अब हम बैटरी एरर को फिक्स करने के लिए हम टूल यूज करेंगे ओटी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग फ़ोन में ये डाउनलोड एरर क्यों आता है। तो दोस्तों, ये फ़ोन किसी दुकानदार के पास से हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। तो ये एरर इसलिए आता है क्योंकि आप जब इसमें FRP करते हो या किसी गलत टूल से आप इसमें FRP करने की कोशिश करते हैं तो ये एरर आ जाता है आपके फ़ोन में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये एरर आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस फ़ोन की फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मॉडल है J6। तो अब हमें इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के लिए जाना पड़ेगा गूगल पे। तो चलते हैं। तो हम यूज करते हैं SAMFW वेबसाइट, इंटर। अब यहाँ पे हम अपनी फ्लैश फाइल को सर्च करेंगे। ये रही हमारी फाइल, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कंट्री, इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे हम। आप देख सकते हैं हमारी फ्लैश फाइल यहाँ पे आ गई वर्जन के हिसाब से। अब हम इसमें सबसे ऊपर वाली फाइल डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे सर्वर दिया हुआ है, हम सर्वर टूट से डाउनलोड करते हैं। अगर इससे एरर आ जाता है तो आपको सर्वर 1 यूज करना है। तो हमारी फ्लैश फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो जब तक हमारी फ्लैश फाइल डाउनलोड हो रही है तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब ये हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो हम इसे फाइल को ओपन करते हैं। तो ये रही हमारी फाइल। अब इस फाइल को हम ले चलते हैं डेस्कटॉप पे। ये रही हमारी वो फाइल जो हमने डाउनलोड किया। अब इस फाइल को हमें करना होगा एक्सट्रैक्ट। इस फाइल को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी फाइल फोल्डर में कन्वर्ट हो चुकी है। एक बार हम ओपन करके आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं। अब दोस्तों, इस फ़ोन को फ्लैश करने के लिए आपको सबसे पहले इस फ़ोन को डाउनलोड मोड पे लाना होगा। फ़ोन को डाउनलोड मोड पे लाने के लिए आपको फ़ोन का वैल्यूम प्लस बटन और वैल्यूम माइनस बटन को दबाकर लैपटॉप की डाटा केबल को इंसर्ट कर देना है, लगा देना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं अब ये कह रहा है वैल्यूम अप कंटिन्यू। तो हम वैल्यूम अप बटन को प्रेस करेंगे। अब ये फाइनली हमारा फ़ोन डाउनलोड मोड पे आ चुका है। अब हमें फ़ोन को डाउनलोड मोड पे ही लगे हुए ऐसे रख देना है और आपको अपने लैपटॉप में ओपन करना है अल्टीमेट सैम्स टूल। ये हमारा टूल ओपन हो गया है।
आपको फ्लैशर टैब में आना है और बीएल पे क्लिक करना है, और आप यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने फाइल को रखा है डेस्कटॉप पे, तो ये रही हमारी फाइल। यहाँ पे आपको बीएल वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, यस कर देना है, और आपको कुछ नहीं करना है, बस फ्लैश पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लैश होना स्टार्ट हो गया है फोन। इसको भी दिखा दो ना। हमने UMT से इसे फ्लैश किया था तो इसमें बैनरी एरर शो कर दिया था। तो दोस्तों अब हम बैनरी एरर को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बैनरी एरर को फिक्स करने के लिए हम टूल यूज करेंगे ओडिन। हम अब ओडिन टूल यूज करेंगे। तो दोस्तों आपको ओडिन टूल ओपन करना है, ओके करना है। ये हमारा ओडिन टूल ओपन हो चुका है। तो ये हमारा ओडिन टूल ओपन हो चुका है। अब दोस्तों हमें फ़ोन को फ्लैश करने के लिए डाउनलोड मोड पे लाना होगा फिर से। तो हम वैल्यूम प्लस और माइनस दबा के USB लगा देते हैं और वैल्यूम अप करेंगे। ये हमारा डाउनलोड मोड पे आ गया और हम फ़ोन को ऐसे रख देंगे। और आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कॉम नाम का ये पोर्ट बना लेगा। तो आपको अब यहाँ पे फाइलें अपनी सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम BL फाइल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम AP फाइल को सिलेक्ट करेंगे, AP फाइल थोड़ा बड़ी होती है इसलिए AP फाइल टूल पे सिलेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो हमारी AP फाइल आ चुकी है, अब हमें CP फाइल को सिलेक्ट करनी है। उसके बाद हमें CSV फाइल को सिलेक्ट करना है। यूजर डाटा हम छोड़ देंगे, ऐसे ही रहने देंगे, और हमें स्टार्ट बटन को क्लिक कर देना है। स्टार्ट बटन हमने क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ़ोन फ्लैश होना स्टार्ट हो गया है। फ़ोन फ्लैश होने में 1-2 मिनट लगेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन फ्लैश हो गया है और हमारा फ़ोन फाइनली ऑन हो चुका है। तो ये हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे।
अब हम इसका सेटअप करेंगे। आपको स्टार्ट गो पे क्लिक कर देना है, एरो का एक आइकन मिला था उस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, वाईफाई आपको कनेक्ट नहीं करनी है, आपको यहाँ पे स्किप का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करना है। स्किप करना है, यहाँ पर भी आपको स्किप कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो फाइनली हमारा फ़ोन बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑन हो गया है, अब इस फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमने इस मोबाइल का एरर कैसे फिक्स किया। इसी तरह की अगर आपको और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।